नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा नारायणा वार्ड में मौजूद हूं। साथ ही हमारे अजय रावत जी हैं जो कि महामंत्री हैं किसान मोर्चा जिला करोलबाग से। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सर, चुनावी रणनीति में बात करेंगे, इसमें चुनाव का माहौल है। यहाँ से सुश्री बांसुरी जी चुनाव लड़ रहे हैं। सर, क्या माहौल इस तरह का बना हुआ? सर, यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा है और सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है और बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी माता जी सुषमा स्वराज जी, उनका बड़ा नाम है। वो बहुत अच्छी पार्टी की मिनिस्टर भी रही हैं और बहुत अच्छे काम भी किए हैं उन्होंने, तो उनका बेनिफिट भी और उनकी ही संस्कार उनकी बिटिया में है। और वो भी बहुत ही डिसेंट और बड़ी डायनामिक पर्सन है, तो इसमें उसका बहुत अच्छा चल रहा है प्रचार और बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे वो। क्या विजन लेके चल रहे हैं वैसे? मुद्दे सर विकास के हैं, काम के हैं। अब कांग्रेस का पहले देख लो आपने, कोई भी काम था सारे घोटाले। तो मोदी जी इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग बड़ा खुश हैं और पूरा उनको समर्थन दे रहे हैं। तो काम के आधार पर ही पहले भी वोट मिले थे और अभी भी जनता बड़ी खुश है, तो पूरा उनको समर्थन पूरा जोर शोर से दे रहे हैं। अच्छा, आप जो जुड़े हैं इस भारतीय जनता पार्टी में और आप जिले की जिम्मेदारी पे हैं किसान मोर्चा में, तो कैसे काम कर रहे हैं पार्टी के लिए? सर, सर पार्टी इस समय हमें जो भी काम देती है, कोई मीटिंग है, पब्लिक में जाना है, हम घर घर जाके भी मीटिंग कर रहे हैं, हमें जो भी ऊपर से जैसा भी आदेश होता है हम वो सारा काम कर रहे हैं। सर, सवाल कर लेते हैं, यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं अभी दुर्गेश पाठक जी हैं, उनके आने से अभी तक क्या क्या बदलाव, क्या विकास हुआ नारायण गाँव के? सर, ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है और काम जो आपको देख लो, दिल्ली जल बोर्ड में भी घोटाले आ रहे हैं और उनके सारे ही तो अपने जितने भी हैं इनके मंत्री और सब जेल में चले गए हैं जी। तो सारे घोटाले किए हुए हैं, काम क्या हो रहा है? काम कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो रहा काम इनका। और मौजूदा पार्षद का काम क्या था? मौजूदा पार्षद जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और अपने निजी फंड से भी काम कर रहे हैं। तो क्या क्या काम किए, जैसे नारायणा गांव के लिए स्वच्छता को लेकर बात करें? स्वच्छता को लेके उन्होंने देखो पूरी सफाई का काम बड़ा अच्छे से चल रहा है, जहाँ रोड दिक्कत है रोड बनवा रहे हैं, नदी जो नाली वगैरह है नाले है उनकी सफाई है, उनको पक्का करना है, उनको जो भी है सब अच्छा काम। कर्मचारी में सर बढ़ोतरी हुई है जैसे? सर इस समय कर्मचारी, मैं एक अभी फंक्शन था, मैं उसमें गया हुआ था तो वहाँ उमंग बजाज जी को भी बुलाया हुआ था, तो जितने सफाई कर्मचारी थे उनकी वर्डिंग थी सर हम इतने खुश हैं, आज तक इतने खुश नहीं हुए। मतलब जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है एमसीडी में सर? सर आम आदमी पार्टी तो आपको पता ही है क्या कर रही है, सब घोटालेबाज, कोई काम नहीं कर रहा। मतलब सरकार इस समय एमसीडी के सर आम आदमी पार्टी के अधीन है? हाँ, अधीन है, लेकिन जो हमारे निगम पार्षद जी है वो अपना काम कर रहे हैं और निजी फंड से भी काम कर रहे हैं अपने। और जहाँ पानी नहीं है, हालांकि पानी हमारे नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड की और एमएलए के अंडर है, उन्होंने पर्सनली अपनी एक गाड़ी की हुई है और वो लोगों को पानी दे रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा सर, चुनाव जैसे लोकसभा के बाद फिर विधानसभा 2025 के भी चुनाव है सर, क्या अब इससे तैयारी हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की? सर हमारी पूरी तैयारी है और अगली बार हमारी ही सरकार बनेगी। लेकिन अब आप देख रहे हैं सब घोटाले चल रहे हैं, तो पब्लिक का जो वो लग रहा था कि ये बहुत सच्चे और ईमानदार हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अब उनका मूड बदल चुका है और आने वाले इलेक्शन में ये पता चल जाएगा। आज पानी की समस्या है, वो आज तक इनसे दूर नहीं हुई। क्षेत्र के लिए तो पानी गंदा आ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, प्रॉपर पानी नहीं यार मिल रहा लोगों को। अच्छा, सड़कों पे इन्होंने इतना बुरा हाल किया, अब यहाँ से बाहर जाओ धूल ऐसी उड़ रही है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के जा रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, खोद के डाल दिए सारी सड़कें इन्होंने, इंदरपुरी नारायणा पूरा बुरा हाल किया हुआ है। सर, मैं जानना चाहूँगा, जैसे अगर जीत के आती है बांसुरी स्वराज जी, तो क्या आगे अपेक्षाएं रखते हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं आप? सर उनसे उम्मीदें बहुत हैं और लोगों को भी है, और वो अच्छा काम करेगी, उनकी माता जी ने भी बहुत काम किए हैं और ये भी एक काम करेगी। तो क्या क्या मांगे मतलब इस नारायणा गांव को लेकर? सर मांगे तो ये है कि अभी तो मेन तो काम यहाँ पे निगम पार्षद का है, एमएलए का है, तो उनके जो बड़े काम जो भी, अब कुछ यहाँ पे एक जैसे कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जी, जी, जी। तो हम वो एक कोशिश होगी कि यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल बनवाएं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ कोई नहीं है, एक छोटा इन्होंने बनाया था उसको भी इन्होंने डेवलप नहीं किया। अच्छा,
तो लगता मतलब कोई भी चीजें या छोटे लोग हैं उनको बेचारे को बाहर जाना पड़ता है, दूर दूर तक जाना हाँ पड़ता जी जी। तो क्या मतलब आपको लगता है मांगे पूरी होंगी सर? जी हाँ जी बिल्कुल, हम उनसे करवाएंगे यहाँ के लिए। हाँ जी हाँ जी। और इंडिया गठबंधन जो बना सर, इससे क्या लगता है आपको मुकाबला? सर ये आप खुद ही बताओ, मोदी जी की टक्कर में कोई है? इनके पास कोई चेहरा नहीं है और सारे चोर हैं ये जी। ये तो सिर्फ कुर्सी के लिए काम करते हैं जी, और सिर्फ मोदी जी हैं जो वो कुर्सी के लिए नहीं काम करते, वो सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं। अच्छा, मोदी जी के आने से क्या देखते हैं, इन 10 सालों में क्या बदलाव देखते हैं? सर मोदी जी ने आने से तो सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ है, एक छोटा सा पाकिस्तान जिसने हमारे रोज जवान मरते थे और बड़ा दिल दुखी होता था जी, और मन में बड़ा रोष था कि एक छोटा सा कि हमारे इतने जवान मर रहे और ये कुछ नहीं करने। मैं जब ये धारा 370 हटने की प्रोसेस में था उस समय अपने राजनाथ जी गृहमंत्री थे, तो मैं वहाँ कश्मीर गया जी, तो वहाँ मेरी लोगों से बात हुई तो वहाँ फौजी इतने खुश थे, उन्होंने कहा जी पहले हम 2 गोलियाँ चलाते थे ना तो हमें उसका जवाब देना पड़ता था, हमारे को बांधा हुआ था, कह रहा जी अब वहाँ से 2 गोली चलती हैं, हम इतने गोले बरसाते हैं कोई साहब पूछने वाला नहीं है। तो मिलते हमारे मजबूत हुए, आज हमारे हाथ खोल दिए, आज हमारा सर हिंदुस्तान में नाम है इंडिया का, हमारे झंडे का इतना महत्व है कि लड़ाई रुक जाती है, हमारे कहीं भी आज इंडिया के कहीं भी लोग हैं वो सुरक्षित समझते हैं अपने आप को, उनको कहीं भी फंसे हैं वो बाकायदा वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं पूरी इज्जत के साथ। महंगाई पे आप बात नहीं कर रहे सर, बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे आप, इस पे क्या कहेंगे आप? सर देखो महंगाई तो सर ये तो थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन मेन मुद्दा क्या है, ये तो छोटे मुद्दे हैं सर। आज हमारे देश में जो जरूरत थी, जो एक डायनेमिक जैसे हमें प्राइम मिनिस्टर चाहिए था तो उस तरह के आज मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं है, कोई चेहरा विपक्ष में तो कोई भी नहीं है जी। अच्छा हाँ जी। तो खाता खोलेगा सर विपक्ष का दिल्ली में 7 सीटों में? विपक्ष का नहीं जी, हमारी 7 सीटें पूरी बहुमत से आएगी। 7 सीटें आपकी आ रही सर? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है सर, और कुछ अपील देना चाहेंगे सर अपनी जनता में? अजय जी मैं जनता को यही कहूँगा कि ऐसा पीएम शायद ही हमें दोबारा मिले, तो उनका पूरा जोर शोर से समर्थन करो, अपने इंडिया को सुदृढ़ करो, सशक्त करो, यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले देश का स्वाभिमान है। बिल्कुल, अगर हम स्वाभिमान ही नहीं है तो फिर लानत है हमारी ज़िंदगी पे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो ये हमारी सीधी बात अजय रावत जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।